मैं लेके आया हूँ आप लोग का जो इंडियन ऑयल में जो वैकेंसियाँ निकली है आईटी वालों के लिए, उन लोग के लिए मैं संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हो तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लेके आ सकूँ। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये वैकेंसी आई है। तो आईटी और डिप्लोमा वालों के लिए कुल पोस्ट है 137 पोस्ट। ठीक है, अब जानते हैं इसके फॉर्म भरने से लास्ट डेट कब है। तो ये 24 जनवरी 2022 को ये चालू हो गया था और ये 18 फरवरी 2022 को ये बंद हो जाएगा। तो आईटीआई वाले जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट करें। ठीक है, अब आते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 18 से 26 साल तक ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एससी और एसटी इसके लिए विशेष 5 साल 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब चलते हैं इसके फीस के बारे में। जनरल और ओबीसी वालों के लिए केवल केवल 100 रुपए फीस है और एसटी और एससी वाले के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब बात आते हैं इसकी सैलरी की। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 23,000 से 78,000 चालू होगा और लास्ट जाएगा आपका 78,000 तक। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं और एक विकलांग उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरा मौका है, इसमें अप्लाई करें। उन लोग के लिए विशेष छूट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो 10 वर्ष की और अगर ओबीसी हुआ तो 13 साल की और एसटी एससी हुआ तो 15 साल की। इसमें भूतपूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं जिसको 10% की छूट दी गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हो कि आपका एग्जाम पैटर्न 27/3/2022 को इसका एग्जाम डेट रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जैसे कि ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसका नंबर नंबर है आप लोग का 100 अंक का, ये 100 अंक का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जो 100 प्रश्न का होगा जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सिलेबस में क्या क्या पूछेंगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, ये 75 प्रश्न आपका रहेगा सामान्य ज्ञान विज्ञान से तकनीकी अनुशासन और रहेगा ट्रेड से, ये टोटल 75 नंबर का होगा और 25 नंबर से और अलग से इसमें पूछे जाएगा आपका जैसे सामान्य योग्यता, तर्क, अंग्रेजी और ये संख्यात्मक योग्यता। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम पैटर्न का सिलेबस। ठीक है, अब आते हैं इसे इसमें एग्जाम में कैसा कैसा पूछा जाएगा। पूछा जाएगा ये तो हो गया आपको, लेकिन इसमें इसका कितने मिनट का देगा, है ना, एग्जाम में कितने मिनट का इसका रहेगा, है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो ये लिखित परीक्षा होगा जो 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का, 90 मिनट का। ठीक है, अब आते हैं इसमें विकलांग लोग को एक्स्ट्रा दिया जाएगा 120 मिनट, ये एक्स्ट्रा टाइम उन लोग को दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एनटीसी होना भी अनिवार्य है। ठीक है, एनटीसी होना आप लोग के पास अनिवार्य है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द एक पूरे फॉर्म को सबमिट करें और इसके तैयारी में लग जाइए आप, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो सभी आईटीआई वालों से मेरा निवेदन है फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट करें। ये आपका पूरा मैं आपको समझा दिया हूँ डिटेल से। ठीक है, तो फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट सबमिट करो, है ना, चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट करके आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।